Hey smart people, so you are welcome here to this channel that's Neet Niketan. और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में जो किसके ऊपर है हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में. ज़रा बहुत परेशान दिख रहा है ना, क्या तुम भी इस टाइम बहुत परेशान हो गए आपके नीट के सिलेबस को लेके या फिर आपने एग्जामिनेशन को लेके, है ना. मगर हम इस परेशानी को मुस्कुराहट में चेंज कर देंगे, डोंट वरी, है ना. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और जिसके अंदर हम करने वाले हैं आज टॉप 50 PYQs. ऐसे कुछ सवाल जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और काफ़ी अच्छे सवाल हैं. इट्स नॉट लाइक अ लो लेवल सवाल, ये अच्छे लेवल के सवाल हैं. और इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कोशिश करी है कि यार इस चैप्टर में जितना भी कंटेस्ट है उस पूरे के पूरे पार्ट को मैं आपको इस क्वेश्चंस के थ्रू, है ना, रिवाइज करा दूं. तो वंस यू आर डन विद दिस सेशन, आप अंतिम तक बने रहे तो आई एम डैम श्योर कि यार ये चैप्टर आपका पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है. और दैट्स अबाउट दिस सेशन एंड आई वेलकम यू टू दिस चैनल दैट्स नीट निकेतन. माय नेम इज लक्ष्य, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर. और आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस मुलाकात को. तो अगर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे इस चैप्टर में हमें करना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है, तो उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं. और उससे पहले ध्यान रखिएगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स दी गई हैं, उन लिंक्स को जरूर एक बार चेकआउट कीजिए, है ना. यू कैन कनेक्ट एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो आप वहाँ से हमें कनेक्ट कर सकते हैं. और इसके अलावा आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको प्लानर मिल जाएगा, है ना, आपको गूगल शीट मिल जाएगी, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बट मेक श्योर टू चेक इट आउट, ओके. तो अगर मैं बात करूँ व्हाट टू स्टडी, है ना, या फिर इफ आई टॉक अबाउट, चलो लिख लेते हैं व्हाट वी टू स्टडी, क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर के अंदर. ऑल्दो पढ़ने वाला थ्योरी सेक्शन जो है वो हम फिर कभी कवर करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ हम सवालों से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है. तो वेल, हमने क्या क्या देखा होगा इस चैप्टर में, आप पढ़ चुके हैं. सबसे पहला पार्ट जो आपके पास रहा होगा इस चैप्टर में वो रहा होगा अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है. इसमें आपने बात की होगी कि यार जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें हमने क्या सीखा. इसमें हमने देखा कि यार डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन. दूसरा आपने जाना कि यार इसमें जो खाना हम खा रहे हैं वो खाना डाइजेस्ट किस तरीके से होगा, है ना. और तीसरा फिर आपने देखा होगा यार खाना एब्जॉर्ब किस तरीके से होने वाला है, राइट. तो अगर मैं बात करें सबसे पहले वाले पार्ट की, तो इस फर्स्ट पार्ट में आपने सीखा होगा कि यार डाइजेशन का मतलब क्या होता है, है ना. तो आई कैन से फर्स्ट थिंग दैट इज मीनिंग ऑफ डाइजेशन, और वी कैन से डेफिनेशन जानी होगी, राइट. दूसरा बात आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. और तीसरा पार्ट जो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे वो होगा आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में, एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में. ये हमारे पास पहला पार्ट है इस चैप्टर का. दूसरे पार्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो सेकंड पार्ट जो इस चैप्टर में रहा होगा दैट वाज अबाउट डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड. ये आपका दूसरा पार्ट रहा होगा जहां आपने देखा होगा कि यार किस किस तरीके से हम फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं. तो भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं हमारे पास. पहला हम कर सकते हैं फूड को डाइजेस्ट बाय द मीन ऑफ केमिकल वे, राइट, केमिकल डाइजेशन हम कर सकते हैं. दूसरा मैकेनिकल डाइजेशन हम कर सकते हैं, है ना, मेहनत वाला काम खाने का, है ना. खाने का काम भी एक बहुत मेहनत काम होता है. आप एक गाय को देखोगे, गाय हमेशा हम ऐसे ऐसे करती रहती है ना, तो अपने मैकेनिकल डाइजेशन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, फिर उसकी बॉडी के अंदर जाके केमिकल डाइजेशन बाद में शुरू होगा, बट पहले मैकेनिकल डाइजेशन होगा. और इसके अलावा तीसरा क्या है, हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इसमें हार्मोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कि इसमें हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करने वाले हैं. केमिकल में खैर आपके एंजाइम्स इस्तेमाल होंगे, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स इस्तेमाल होने वाले हैं, जैसे आपके कोलेसिस्टोकाइनिन हो गया, सिक्रेटिन हो गया, ये दो हार्मोन्स काफी इंपॉर्टेंट है.
केमिकल डाइजेशन में आपके कौन से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस थिंग कि यार अगर कोई एक एंजाइम भी आपकी बॉडी में काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो उसकी वजह से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं, कोई डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर बॉडी भी फंक्शन करना प्रॉपरली फंक्शनिंग को रोक सकती है। ठीक है, तो एंजाइम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। इसके अलावा तीसरा सेक्शन जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया होगा, दैट वॉज क्या पढ़ा इसके अलावा आपने, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा आपके डिसऑर्डर्स के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, डिसऑर्डर्स के अलावा आपने ये भी जाना होगा कि एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। एक बार खाना होता क्या है वो जान लिया, खाने को कैसे डाइजेस्ट करते हैं वो देख लिया, अब हम देखेंगे खाने को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। इसमें आपने क्या देखा होगा कि यार खाने को एब्जॉर्ब करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो वो हो सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से एब्जॉर्ब किया जा रहा हो, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से, हो सकता है कि वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा हो, या फिर तीसरा हो सकता है कि उसको आप एब्जॉर्ब कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और चौथा और आखिरी पार्ट जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा वो होगा अबाउट डिसऑर्डर्स, है ना, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जहाँ आपने दो तरह के डिसऑर्डर्स पढ़े होंगे, एक होंगे आपके पास डाइजेस्टिव ट्रैक या डाइजेस्टिव जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके डिसऑर्डर्स, एक आपने पढ़े होंगे सिंपली फिजियोलॉजी, है ना, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होना किसी पार्ट का, कोई पार्ट मिस हो जाना, तो वो तरह के डिसऑर्डर्स आपने देखे होंगे, है ना, जॉन्डिस हो गया आपके, है ना, तो गर्ड हो गया, देर आर डिफरेंट डिसऑर्डर्स दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो ये था हमारे इस चैप्टर के अंदर, और हम सीधा मूव करेंगे सवालों के साथ ताकि हम हर एक पार्ट को साथ साथ रिवाइज भी करते हुए चले, ठीक है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि यार आप एक शीट लेके बैठे हैं, उस शीट के अंदर आप मेरे साथ साथ सवाल लिखते हुए चलेंगे और सवाल को लगाएंगे मेरे साथ साथ में, ना, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के उसका आंसर लिखेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर टुगेदर। साथ में हम चेक भी करेंगे कि क्या भाई हमारा सवाल सही भी है कि नहीं है, बिकॉज गलतियों से सीखना आवश्यक है, है ना। जो भी गलती करनी है हमारे साथ कीजिए, अभी कीजिए, लेकिन ये गलतियाँ जो हैं ये नीट एग्जामिनेशन में अफोर्डेबल नहीं होंगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेम, विच सेल ऑफ क्रिप्ट ऑफ लुबरगंग सिक्रीट्स द एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस जो कि हैं आपके लाइजोसाइम्स। तो जो आपके पास कौन सी सेल्स है क्रिप्ट ऑफ लुबरगंग की जो कि इन लाइजोसाइम्स को सिक्रीट करती है। तो गिव सम टाइम टू द क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट, विल डिस्कस द आंसर टुगेदर। तो आई थिंक आपने क्वेश्चन को पॉज किया होगा, वीडियो को पॉज किया होगा और देखा होगा इसका जवाब क्या होता है, है ना। मैं आपको बता दूं कि यार हमारी इंटेस्टाइन के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिल जाएंगी, एक होंगी आपके ये क्रिप्ट ऑफ लुबरगंग, क्रिप्ट्स ऑफ लुबरगंग, ठीक है, और एक होगा ब्रूनर्स ग्लैंड। ये दो चीजें पाई जाती हैं आपके इंटेस्टाइनल, यू नो, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है उसमें ये दो चीजें पाई जाएंगी आपको। एक्चुअली मैं ये डिस्कशन कहां पे कर रहा हूँ, कहां होता है हमारी बॉडी के अंदर, देखिए रिमेंबर, तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ना ऐसे विलाई पाई जाती है, दीज आर द इनफोल्डिंग्स, है ना। इन विलाय के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, या मैं यहां बना लेता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रिप्ट्स ऑफ लुबरगंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भिन्न भिन्न प्रकार की सेल्स होती हैं, जैसे ग्लोबलेट सेल्स हो सकती हैं, है ना, एंटेरोसाइट्स हो सकती हैं, या फिर आपकी पिनेट सेल्स हो सकती हैं, अलग अलग तरह की सेल्स होंगी इसके अंदर। तो ये वाला जो पोर्शन है ग्लैंडुलर इन नेचर, जिसमें ऐसी सेल्स हैं जो ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीट कर सकती हैं, वो होता है क्रिप्ट्स ऑफ लुबरगंग वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये लाइनिंग है, सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, यस सर। तो ये कौन सा पार्ट होगा, ये म्यूकोसा की लाइनिंग होगी। इसके नीचे आप आओगे तो नीचे कौन सी लेयर होती है, हाँ भाई, म्यूकोसा के नीचे कौन सी लेयर होती है, सब म्यूकोसा, है ना। तो ये जो सब म्यूकोसा वाला पार्ट है, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम की जो सब म्यूकोसा है ना, वहां पे पाई जाती है कुछ कौन सी वाली ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ये वो पार्ट है जहां से आपका कोलेस्ट्रोकाइनिन, सिक्रेटिन, ये हार्मोन सिक्रेट होने वाले हैं, तो वह है कौन सी, ब्रूनर्स ग्लैंड, ये हो गया ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ क्रिप्ट्स ऑफ लुबरगंग में ये कौन कौन सी सेल्स पाई जाएंगी, तो यहाँ पे आपका बनेगा, यहाँ पे आपकी सेल्स पाई जाएंगी जैसे कि
आप कह सकते हो पिनिट सेल्स, ठीक है। इसके अलावा यहां पे पाई जाएंगी, इसके अलावा आपको मिल जाएंगे यहां पे एंटेरोसाइट्स, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, गॉबलेट सेल्स, ठीक है, एंटेरो क्रोमो फिन्स। ये कुछ तरह की सेल्स हैं जो आपको यहाँ पे मिक्सचर इनका मिल जाएगा। तो सवाल कुछ ऐसा ही था कि बताओ लाइजोजाइम जो है वो कौन सी सेल सिक्रीट करती है। तो जो आपकी पिनट सेल्स हैं ये लाइजोजाइम सिक्रीट करती है इस वाले पार्ट में से, ताकि वो बैक्टीरिया को मार सके। तो आई थिंक ये सेक्शन आपको रिवाइज हो गया है एंड द करेक्ट आंसर इज पेनेट सेल्स, है ना। इसके अलावा जाइमोगन सेल्स कहाँ पाई जाती है, आपको याद हो तो स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहां पे होती है आपकी जाइमोगन सेल। दूसरा नाम क्या है जाइमोगन सेल्स का, पैप्टिक सेल्स या फिर आपके आप कह सकते हो चीफ सेल्स, है ना, चीफ सेल्स, जाइमोगन सेल्स या फिर पैप्टिक सेल्स। ओके, तो जो पेप्सिनोजन सिक्रीट करेंगी, कफ सेल्स आपको पता है लिवर के अंदर पाए जाते हैं, और ये आपका अर्जेंटैफिन सेल्स जो है ये आपका सेरोटोनिन बनाने में इस्तेमाल होता है, जो कि आपके गैस्ट्रिक मूवमेंट करवाता है, ठीक है। सेरोटोनिन क्या करवाएगा, गैस्ट्रिक मूवमेंट, गैस्ट्रिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स आपके किस चीज के हैं, ये आपके स्टमक की ग्लैंड्स हैं। इकलौती ऐसी ग्लैंड जो कि आपके इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में पाई जाएंगी, वो कौन सी है, वो है आपकी पिनेट सेल जो कि लाइजोजाइम सिक्रीट करने वाली है। ये हो गया इस सवाल का जवाब जो नीट 2017 में आया हुआ था, ठीक है। तो काफी कुछ जाना, हर एक कॉन्सेप्ट इसके पीछे का जान लिया हमने कि भाई आपकी जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं उनमें क्या क्या होता है ये हमने देखी है, ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड का क्या सिक्रेशन है वो हमने यहाँ पे देख चुके हैं। ओके, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर टू इज टेलिंग यू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एंजाइम कॉम्पोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए, पहला सवाल, ठीक है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली आंसर मैच कर लेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर, है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं कि भाई पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, आई थिंक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेस, है ना, पेनक्रियाटिक लाइपेस, अमाइलेस, पेनक्रियाटिक अमाइलेस सेम, न्यूक्लियस, ठीक है, ये और एक और होगा आपका प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, ठीक है। तो ये कुछ चीजें पाई जाती हैं किसमें, आपके पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। ध्यान रखना पेनक्रियास निकाल रहा है पेनक्रियाटिक जूस, उसमें ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं, ओके। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, है ना, लाइपेज हो गया, अमाइलेज हो गया और न्यूक्लियस हो गया, ओके। अब मैच कर लो कौन सा सही मैच कर रहा है, रेनिन है क्या, नहीं सर काट दो, मैल्टोज है क्या, नहीं सर काट दो, रेनिन है क्या, नहीं सर काट दो, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, यस सर, ट्रिप्सिनोजन, यस सर, अमाइलेज, यस सर, लाइपेज, यस सर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था, नहीं, वही सेम पेपर में ये सवाल भी रिपीट हुआ है इस चैप्टर से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर आता हो तो आपका जवाब होगा हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आज जवाब होगा ना। इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है कि सर ट्राई किया था और क्वेश्चन हुआ नहीं मेरे से, नहीं, आता है या नहीं आता है एक ही बात है, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए, और उन कॉन्सेप्ट को आपने अगर एक बार भी पढ़ा है और उसको मेरे साथ इन क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर रहे हो तो सारी बातें आपको रिवाइज होने वाली है। आइए आते हैं तीसरे सवाल पे। क्वेश्चन नंबर थ्री सेइंग अ बेबी बॉय एज 2 ईयर्स इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पास थ्रू द डेंटल चेकअप, एंड डेंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि यार उसके पास 20 टीथ हैं, उसके पास 20 टीथ प्रेजेंट है, उनमें से कौन सा वाला टीथ उसमें एबसेंट होगा जो एक एडल्ट में होता है मगर उसमें नहीं है। यस, मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, बाकी आंसर आप गेस कर चुके होंगे, 2102, 2102, ये एक छोटे बच्चे के डेंटल फॉर्मूला होता है,
और वहीं एडल्ट में क्या होता है 2123 अपॉन 2123, वेयर दिस फर्स्ट रिप्रेजेंट्स इंसिजर्स, सेकंड कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर्स. सेम फॉर एडल्ट, पहले इंसिजर्स, दूसरे कैनाइंस, तीसरे प्रीमोलर्स, चौथे मोलर्स. अब देख पा रहे हो कि एडल्ट्स में प्रीमोलर्स हैं मगर बच्चों के अंदर प्रीमोलर्स नहीं होते, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल है. फोर्थ सवाल पे आते हैं, कह रहा है विच हार्मोन डू स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन और पेनक्रियाटिक जूस का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नहीं बट वी कैन से सिक्रीशन कौन करवाता है. इज दिस एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिक या गैस्ट्रिन इंसुलिन, कोलियोसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन या फिर इंसुलिन और ग्लाइकोजन. सोचो क्या होगा इसका जवाब. समय की कीमत तुम्हें जाननी पड़ेगी, है ना. आइए देखते हैं क्या है इसका सही जवाब. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोलियोसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन. सिक्रेटिन जो होता है ये एक्चुअली में किस पे एक्ट करता है, ये जाके एक्ट करता है एक्नाई पे. सर एक्नाई क्या है, तो आपको पता ना पेनक्रियाज ना एक्चुअली एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है. पेनक्रियाज क्या है, एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, मिक्सोक्राइन या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जिसके पास एंडोक्राइन वाला पार्ट भी है और एक्सोक्राइन वाला पार्ट भी है. एक्सोक्राइन वाला पार्ट 98% होता है और सिर्फ 2% एंडोक्राइन वाला पार्ट है ना. एंडोक्राइन वाला कौन सा पार्ट है, वो है आइसलेट्स ऑफ लैंगहाइरन्स. ठीक है, बाकी एक्नाई जो है वो एक्सो वाला पार्ट है. तो एक्सो वाले पार्ट पे कौन काम करेगा, सिक्रेटिन. ठीक है, जहां से पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा. पेनक्रियाटिक जूस निकलने वाला है. ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये दूसरा कोलियोसिस्टोकाइनिन जो है ये काम करेगा बाइल जूस पे जाके, या हम कह सकते हैं गॉल ब्लैडर पे जाके. गॉल ब्लैडर पे जाके एंड एंडोक्राइन वाले पार्ट पे, किसके, पैनक्रियास के. ठीक है, तो ये उस पे काम करेगा और सिक्रेटिन जो है वो एक्सोक्राइन वाले पार्ट पे काम करेगा. इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से पेनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट कौन निकालेगा, ये एक्सोक्राइन वाला पार्ट. ठीक है, और एंडोक्राइन वाला पार्ट बाइल जूस निकाल देगा और पेनक्रियाटिक जूस बाहर निकाल देगा. तो इस तरीके से ये दोनों हॉर्मोन्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसमें, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा भी था, देखो हॉर्मोनल कंट्रोल. इसमें कौन से दो हॉर्मोन्स हैं, कोलियोसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन. ठीक है, ये दो हॉर्मोन्स काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम. अब ये कैसा सवाल है, इसमें डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए. अगर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं आती है तो सवाल करना फिर नामुमकिन है. ठीक है, देखो आपको इसके लिए प्रॉपर आपके पेनक्रियाटिक, पेनक्रियास की लोकेशन क्या होती है, कौन कौन सी डक्ट्स निकल रहे होते हैं, ये सब पता होना चाहिए. तो मान लो दिस इज व्हाट वी हैव पेनक्रियास, कहीं या पहले काम करता है लिवर बना लेते हैं यहाँ पे. तो ये मान लो लिवर है, दो लोब्स होते हैं आप जानते हैं ना, ये होगा इसका राइट हेपेटिक लोब, ये होगा लेफ्ट हेपेटिक लोब. ठीक है, इस हेपेटिक लोब से आपके आ रहे होते हैं डक्ट, आएगी राइट हेपेटिक डक्ट, आएगी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. ये आपके राइट वाले पोर्शन में आके एंटर कर जाएगी. दिस इज व्हाट, दिस इज राइट हेपेटिक डक्ट, ये होगी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. ठीक है, अब इस डक्ट से अगर हम आगे बढ़े तो आप देखोगे इन दोनों के फॉर्मेशन से बन चुकी है आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट. ये कौन सी डक्ट है, ये है कॉमन हेपेटिक डक्ट. ये भाई कॉमन हेपेटिक डक्ट. ठीक है, अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है और इसी के बगल में पाया जाएगा इस तरीके से एक गॉल ब्लैडर नाम का स्ट्रक्चर. इस गॉल ब्लैडर से निकलने वाली जो डक्ट है उस डक्ट को आप कहते हो सिस्टिक डक्ट. क्या नाम है, सिस्टिक डक्ट. और ये सिस्टिक डक्ट जाके मिल जाएगी कॉमन हेपेटिक डक्ट में और ये बना के फॉर्म कर देंगे इस तरीके से एक कॉमन डक्ट, एंड दिस इज द कॉमन डक्ट.
इसे कहते हैं बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ओके, नीचे कहीं हमारा वेट कर रहा है कौन? पेनक्रियास। इस पेनक्रियास में भी क्या होंगी, कुछ दो तरह की डक्ट्स होते हैं, डक्ट ऑफ विट्सिंग एंड डक्ट ऑफ सर्टोरिनी। एक तो होगी मेन डक्ट, एक होगी दूसरी वाली जो कि होगी डक्ट ऑफ सर्टोरिनी। तो ये वाली जो डक्ट जा रही है, दिस इज, जो यहां से आ रही है, दिस इज डक्ट ऑफ विट्सिंग, और ये जो दूसरी वाली डक्ट है, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ सर्टोरिनी, ठीक है। और ये सब कुछ ओपन होता है अल्टीमेटली किसमें, आपके सी शेप ऑर्गन में, जो कि इंटेस्टाइन का सबसे पहला वाला पार्ट होगा जो स्टमक से ऊपर से आ रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज व्हाट वी कॉल ड्यूडेनम, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ड्यूडेनम, ठीक है। और यहाँ पे जिस पोर्शन पे ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे डक्ट ऑफ विट्सिंग जो है, ये डक्ट ऑफ विट्सिंग मिल जाएगी इस वाली डक्ट के साथ, ये जो डक्ट है ना, ये वाली डक्ट, ये जाके इसके साथ मिल जाती है इस तरीके से, है ना। और ये वाली जो ऊपर वाली डक्ट है, डक्ट ऑफ सर्टोरिनी, ये अकेली ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर क्या है, पेनक्रियाटिक जूस है। और नीचे वाली डक्ट जो कि इस वाली डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट, और ये होगी कौन सी, पेनक्रियाटिक डक्ट, इन दोनों के मिलने से बने, तो इस वाली डक्ट को आप कहते हो हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो ये हेपेटिक और पेनक्रियास के दोनों से मिलके बनी है ना, यहां से आ रही थी पेनक्रियाटिक डक्ट, यहां से आ रही थी हेपेटिक डक्ट, दोनों ने मिलाया और क्या बन गई, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे बन चुके हैं। और फिर फाइनली ये ओपन हो जाएगी किसमें, इट विल ओपन इनटू द ड्यूडेनम, एंड इसमें यहाँ पे एक स्पिंचर लगा होगा, दैट स्पिंचर इज कॉल्ड एज स्पिंचर ऑफ ओडाई, स्पिंचर ऑफ ओडाई। और इसको ये जो लोकेशन है जहां पे ये स्पिंचर लगा हुआ है, दैट लोकेशन इज कॉल्ड एज एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। तो ये सारे पार्ट हैं हमारे इस प्रॉपर स्ट्रक्चर के, जो कि आपके लिवर के आसपास के पार्ट हैं। इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं जानना आपको, लेकिन अगर ये सारे पार्ट पता है तो नथिंग एंड स्टॉप यू, है ना। तो अगर हम यहाँ पे सवाल पे आने वाले, सवाल हमारे लिए बेहद ही आसान है, कह रहा है कि हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट जिस गार्ड से, जिस स्पिंचर से वो ब्लॉक हो रखी है, वो कौन सा स्पिंचर है, दैट इज स्पिंचर ऑफ ओडाई, आगे आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन पीछे का कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी था, वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड है उसे कौन बनाता है। तो आप दीजिए इसको एक बार, गिव इट अ शॉट, एंड देन विल डिस्कस द आंसर टुगेदर। देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि गैस्ट्रिक जूस जो है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको पता है क्या होती है, मान लो अगर ये स्टमक है, तो स्टमक के अंदर इस तरीके से ऐसे रुगे होते हैं, और इन जो ये जो रुगे बने हैं, इन रुगे के अगर मैं जूम इन करता हूं, तो मान लो ये एक रुगा है, तो इस रुगा के अंदर यहाँ पे कुछ आपकी सेल्स पाई जाएंगी, जैसे सेम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में थी ना, वैसी कुछ सेम यहाँ पे भी आपकी ग्लैंड्स, छोटी-छोटी सेल्स पाई जाएंगी। वो सेल्स सिक्रेटरी नेचर है, जो कि क्या बना रही है, गैस्ट्रिक जूस बना रही है, ठीक है। तो यहां मैं कहूंगा कि वो कौन कौन सी सेल्स है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली सेल आपको मिलेगी जो कि होगी म्यूकस नेक सेल्स, म्यूकस नेक सेल। दूसरी सेल जो आपको यहां पे मिलेंगी वो होंगी आपकी पैराइटल सेल्स, जिसको आप ऑक्सेंटिक सेल्स भी कहते हो। ऑक्सेंटिक सेल्स भी कहते हो, ठीक है। तीसरी तरह की जो सेल होगी वो होगी पेप्टिक सेल, जिसको आप चीफ सेल भी कहते हो, जिसको आप चीफ सेल या फिर जाइमोगन सेल्स भी कहते हो, ठीक है। और सबसे पहली वाली जो सेल है क्या सिक्रीट करती है, इट सिक्रीट्स अ म्यूकस, जो कि प्रिवेंट करेगा इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को फ्रॉम द एचसीएल। दूसरा पैराइटल सेल्स जो है, ये रिलीज करते हैं एचसीएल एंड कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। और ये जो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर है, दिस इज अ फैक्टर जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12। विटामिन बी12 जो है, ये आपके सोर्स आपके खाने में आपको मिलेगा,
अब जब आप उसे खाओगे, जैसे ऑरेंज आपने खाया, ऑरेंज में क्या है आपका विटामिन B12 है। अब उसे खाने के बाद क्या होगा कि बॉडी के अंदर अगर ये नहीं होगा कासल इंट्रेंसिक फैक्टर, तो बॉडी उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, है ना। और अगर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो इन दैट केस आपकी RBCs मैच्योर नहीं हो पाएंगे, बिकॉज विटामिन B12 इज इंपॉर्टेंट फॉर मैच्योरेशन ऑफ RBCs, और RBCs मैच्योर नहीं हो पाएंगे तो कमी हो जाएगी बॉडी में RBCs की, एंड दैट इज हाउ द पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम पर्निशियस एनीमिया। एंड पर्निशियस एनीमिया और नॉर्मल एनीमिया में डिफरेंस क्या है, पर्निशियस एनीमिया फेटल होता है, इससे डेथ भी हो सकती है, नॉर्मल एनीमिया से डेथ नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी कहानियां आपस में लिंक्ड है। और तीसरा पार्ट जो है वो है पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स या जाइमोगन सेल्स, और ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एंड रेनिन, एंड रेनिन, ठीक है। तो ये हो गया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अगर हम इस सवाल पे आ जाए तो हम कहेंगे यार गैस्ट्रिक एसिड बनाने वाले कौन है, वो है आपके पैराइटल सेल्स, जिसे आप एक और नाम से जानते हो, विच इज ऑक्सेंट्रिक सेल्स, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। पैप्टिक सेल्स क्या होते हैं, वो वाले सेल्स हैं, चीफ सेल्स जो पेप्सिनोजन बनाएंगे, ठीक है। एसिडिक सेल्स हो गए, और गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग सेल्स जो है ये आपके जी सेल्स होते हैं, जी सेल्स जो कि इन सेल्स के मल्टीप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे कह रहे थे एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सुकर सिंथेटिकस। सवाल नंबर एक, क्या होता है सुकर सिंथेटिकस? सुकर सिंथेटिकस कुछ नहीं है, ये बस दूसरा नाम है किसके, इंटेस्टाइनल जूस का, इंटेस्टाइनल जूस। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यार इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो ये साथ में लिखते हैं। सबसे पहला एंजाइम आपको यहां जो मिलेगा वो होगा एंटेरोकाइनेस, इसके अलावा यहां आपको मिलेंगे माल्टोस, सॉरी माल्टेस एंजाइम है ना, इसलिए लैक्टेज है ना, माल्टेज, लैक्टेज, गैलेक्टेज, इसके अलावा लिमिट, लिमिट, डेक्सट्रिनेस, डेक्सट्रियस, इसके अलावा आपको मिलेगा अमाइनो पेप्टाइडेस, डाइपेप्टाइडेस, इसके अलावा अमाइलेस है ना, और लाइपेस, तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइडेस, न्यूक्लियोटाइडेस, ये सारे के सारे एंजाइम्स कहां मिलने वाले हैं, यू विल सी, ये सभी एंजाइम्स की लिस्ट ही आपको मिल जाएगी इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया बताओ, कौन सा वाला एंजाइम नहीं पाया जाता, तो आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। न्यूक्लियोसाइडेज है, यस सर, न्यूक्लियोटाइडेज है, यस, लाइपेज है, यस, माल्टेज है, यस, ये सब कुछ है इसके, बस न्यूक्लियस नहीं है। आपको अगर याद हो, ये मेरे लिए, आप, ये मेरा सवाल है आपके लिए, बताओ न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं है तो कहाँ, कहाँ होगा, देखो गैस कर लो, है ना, आंसर आपके सामने आने वाला है, जस्ट आने वाला है, और आ गया, देखो न्यूक्लियस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वहां पे न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज होता है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर एट इज सेइंग द प्राइमरी डेंटेशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटेशन इन नॉट हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो परमानेंट डेंटेशन और प्राइमरी डेंटेशन में क्या, किस चीज का डिफरेंस होता है, तो वो है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स बच्चों में नहीं होते हैं लेकिन एडल्ट्स में होते हैं, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट। बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है? तो बच्चों को आपको पता है कि जो बेबीज होते हैं उनकी मेन डाइट क्या होती है, इट्स नथिंग बट उनका मिल्क, है ना, मदर्स का मिल्क हो गया है, सिंपली दूध ही पिलाते हैं बच्चे को, है ना। तो मेजॉरिटी या आप कहोगे सबसे ज्यादा डाइट क्या है बेबीज की, वो है मिल्क। तो मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए या उस मिल्क को दही में कन्वर्ट करने के लिए, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, उसके लिए बच्चों में एक एंजाइम होता है जिसे आप कहते हो रेनिन, ठीक है। क्या करता है ये मिल्क के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन है जिसे आप कैसीन कहते हो, उसे पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो हम यहां पर कहेंगे यार रेनिन तो हो गया होगा बच्चों के अंदर, इसके अलावा और क्या होगा साथ में, साथ में आप कहोगे कि यार बच्चों के, बिकॉज वो मिल्क पी रहे हैं, है ना, दूध पी रहे हैं, तो दूध में आप जानते हो इट्स अ काउ प्रोडक्ट, है ना, एनिमल प्रोडक्ट, तो उसमें फैट भी होगा, तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज होना चाहिए, तो लाइपेज होना चाहिए, रेनिन होना चाहिए, और रेनिन एक बार को उसके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देगा, लेकिन उस बचे हुए प्रोटीन को भी प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए
चाहिए होता है पेप्सिनोजन, ठीक है। तो ये तीनों एंजाइम्स होंगे एक बेबी के, इन्फेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो कि पाए जाएंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी न्यूक्लियस नहीं होता बच्चों के अंदर, माल्टेज नहीं होगा बच्चों के अंदर, और साथ में अमाइलेज की भी इतनी कुछ खास जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो रोटी खाना उन्होंने स्टार्ट नहीं करी अभी। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अब गलत सही है ना, तो इसमें जब भी ऐसा सवाल आए तो उस वर्ड पे एक ऐसे लाइन तो मार ही दो ताकि आपके माइंड में रहे कि भाई सवाल गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सेंटिक सेल्स जो है दे आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ, मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ, देखो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को, गिव इट अ शॉट, अटेम्प्ट करो, देन वील डिस्कस द आंसर टुगेदर। देखिए देखो, तो ऑक्सेंटिक सेल्स जो है दे आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सिक्रीट द HCl। तो यार ऑक्सेंटिक सेल्स जो आप जानते हैं, एक मिनट लेट मी जस्ट करेक्ट द स्पेलिंग, डम डम डुबा डुबा किधर गया, गायब हो गया, गायब। वापस आते हैं सवाल पे। तो ऑक्सेंटिक सेल्स जो है दे आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक, तो यस म्यूकोसा में होते हैं, लेकिन ये HCl सिक्रीट करते हैं क्या? यस सर, बिकॉज दीज आर पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स HCl सिक्रीट करते हैं। दूसरा एक्ने जो है दे आर द प्रेजेंट इन द पेनक्रियास एंड सिक्रीट द कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट है और ये आप जानते हो पेनक्रियाटिक जूस में होता भी है, ओके। तीसरा बर्नर्स ग्लैंड जो होते हैं, आपको बताया था सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडिनम वहां पर जाते हैं बर्नर्स ग्लैंड, ये बर्नर्स ग्लैंड जो है दे आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सिक्रीट द पेप्सिनोजन, नो पेप्सिनोजन सिर्फ और सिर्फ आपके स्टमक के अंदर होगा, नो एट अदर प्लेस, ठीक है। पेप्सिनोजन इज पेप्सिनोजन, नन ऑफ योर बिजनेस, तो ये सिर्फ वहीं रहता है, कहीं और नहीं रहेगा। लास्ट है गोबलेट सेल जो है, क्या ये म्यूकस म्यूकोसा में म्यूकस बनाते हैं? बिल्कुल सही, म्यूकोसा में म्यूकस बनाते हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि सही जवाब होगा हमारे इस सवाल का, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन, कह रहे हैं द इनिशियल स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ मिल्क इन द ह्यूमन इज कैरीड आउट बाय, सबसे स्टार्टिंग में मिल्क का डायरेक्शन कौन कर रहा था? तो स्टार्टिंग में हम कौन थे? छोटे से चिंटू पिंटू रामू शामू, है ना, विच इज नथिंग बट रेनिन, ओके। इसके बाद 12th क्वेश्चन, नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एक नए वैरायटी का क्वेश्चन है ना, एक नया मॉड्यूल आप इसे कह सकते हो। तो आप कहोगे फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड थ्रू द म्यूकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड, तो फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल डिफ्यूजन से, या फिर को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की मदद से? यस, अच्छा सवाल है, सोचो एक बार, समय दो इस सवाल पे, जितना समय तुम दोगे, है ना, अभी जितना समय दोगे उतना ही कम समय आपको देना पड़ेगा एग्जाम में। देखा जवाब, तो देखो हमारे पास कुछ कुछ हमने खाने को डाइजेस्ट कर दिया, जैसे ग्लूकोज है एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसे तो आप क्या ही तोड़ोगे, और है ना, कार्बोहाइड्रेट एक बड़ी फॉर्म थी, ग्लूकोज एक सिंपल सी फॉर्म है ना, अमाइनो एसिड एक बड़ी फॉर्म थी, आपने उसको सिंपल अमाइनो एसिड्स में तोड़ दिया, सिंपल फॉर्म है, ठीक है। फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल में टूट गया, है ना, फैट जो है फैट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूट गए, तो ये कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज डाइजेशन, कर चुके हैं डाइजेशन, समझ में आ चुका है। अब उस डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करना है, तो एब्जॉर्प्शन में आपके कुछ प्रोसेस होता है, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल डिफ्यूजन, है ना, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, ये सब कुछ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यार मान लो ये आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, बाहर सोडियम ज्यादा होता है, बाहर सोडियम ज्यादा होता है, तो ये जो सोडियम है ये बाहर से अंदर मूव करता है, ठीक है, और अंदर से पोटेशियम बाहर जाता है, और इसी दौरान एक ATP का इस्तेमाल होगा, और इसी के साथ साथ इन तीन सोडियम के अंदर जाते टाइम पे एक ग्लूकोज भी अंदर भाग जाता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी अंदर भाग जाता है, दिस इज व्हाट हैपेंस, और ये हो रहा है सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की मदद से, है ना, सोडियम एक्टिव को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, सोडियम एक्टिव को ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो भाई ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो ऐसे जाते हैं, ग्लूकोज एंड
गैलेक्टोज तो ऐसे जाते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा कोई आपसे पूछे बताओ फ्रक्टोज कैसे जाते हैं, तो आप कहोगे फ्रक्टोज जो है वो ट्रेवल करता है विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो मैं क्यों लिख रहा हूं ताकि आप भी लिख लो इसको, साथ में एक पेन कॉपी लेके बैठो, जो जो बातें लिखवा रहा हूं जो आपको पता है कि यार मैं भूल चुका हूं लिख लो उसको अभी कभी, एक पेज तीन या चार पेज बनेंगे, वो तीन चार पेज भी आपने दो तीन दिन में रिवाइज कर लिया ना, चैप्टर रैप अप है आपका, रोज रिवाइज कर लोगे तो ठीक है। फैसिलिटेट डिफ्यूजन के थ्रू, इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, तो इट्स अ सिंपल वन, है ना, बस प्रोटीन्स का इस्तेमाल होगा, ये ध्यान रखना, है ना, कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का इस्तेमाल होगा। और तीसरा आप कहोगे कि जो आपके फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड हो गए, ग्लिसरॉल हो गया, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। क्या बात सुन में आ गई? ओके, तो हम कहेंगे यार कि आपके पास फ्रक्टोज जो है किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन की मदद से, विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी, मगर हाँ प्रोटीन्स का इस्तेमाल होगा ही होगा। 13 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक अच्छा सवाल है, आई पर्सनली लाइक दिस क्वेश्चन, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ, है ना। इस सवाल में आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मिक्स हो गए हैं, है ना, तो जब एक सवाल में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो जाते हैं तो वो एक सवाल एग्जामिनर का फेवरेट सवाल बन जाता है, इसलिए नीट में आया है 2013 के अंदर। ट्राई कीजिए, गिव इट अ शॉट, देखें साथ में सॉल्व करते हैं। कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट मैच, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वाला करेक्ट मैच है। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड क्या ये ड्यूडेनम के अंदर काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और माल्टोज जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, ग्लिसरीन एंड ग्लूकोज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से होते हैं, ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन इज एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड, और लास्ट फ्रक्टोज और सोडियम जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन से स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, ये चार ऑप्शन है, ठीक है। सोच लो इसके बारे में, जितना ना वाइड आप सो सकते हो, जितना इनटू आउटसाइड आप जा सकते हो, हर एक बात सोचो और इसका सही आंसर मैं बताऊंगा आपको, साथ में सॉल्व करते हैं। फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज मैंने आपको जैसे भी बताया, इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहां पैसिव लिखा हुआ है तो रॉन्ग हो गया, गलत है। आपको पता है सोडियम वैसे भी आपके एक्टिव से करता है, पैसिव से नहीं करता, तो ये हटा दो। दूसरा अगर मैं आपको बात करूं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इसको समझो ये क्या कह रहा है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की बात करें तो देखो ग्लिसरॉल करेगा सिंपल डिफ्यूजन से, लेकिन जो फैटी एसिड है ये कैसे मूव करते हैं, तो मान लो आपके पास एक कोई फैट है, फैट का मॉलिक्यूल है, फैट मॉलिक्यूल जो होता है जनरली हाइड्रोफोबिक होता है, कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, है ना, डरता ही, डरता है किससे, पानी से, तो बेचारा ये पानी से डरता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं, अगर मान लो इस फैट के अलावा कुछ और होता, जैसे कि ग्लिसरॉल या मैं कहूं है ना, जैसे मैं आपसे बात करूं ग्लिसरॉल होता, वही लिख लेते हैं, है ना, फॉस्फेट होता, ऐसा कुछ अगर होता, ठीक है, ऐसा कुछ अगर होता तो इन दैट केस ये करते क्या है, ये जो आपके एक ना ऐसे मिसल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं, इन्हें कहते हैं मिसल्स, है ना। इन मिसल्स के पास एक क्या है, एक इनके पास है आपका हेड, कैसा है, हाइड्रोफोबिक हेड, और एक इनके पास हाइड्रोफिलिक टेल, तो ये हाइड्रोफिलिक टेल हो गई और ये हाइड्रोफोबिक हेड हो गया, हाइड्रोफोबिक हेड हो गया, ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफोबिक हेड है। अब ये जो मिसल्स हैं ये मूव कर जाते हैं किसमें, अपने बगल वाले एंटेरोसाइट्स के अंदर। एंटेरोसाइट्स कहां पड़ी थी हमने, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के अंदर जो आपकी सेल्स थी एंटेरोसाइट्स वहां पे, और वहां पे मूव करने के बाद ये सिंपल डिफ्यूजन से, मान लो ये आपकी एक एंटेरोसाइट है, तो ये एंटेरोसाइट के अंदर सिंपल डिफ्यूजन से मूव कर जाएंगे और वहां पे इन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, वहां इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं काइलोमाइक्रोन्स के अंदर,
काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं? इन्हीं फैट के ऊपर, आप जानते हैं कि फैट आर नॉट सोल्यूबल इन द वॉटर, ये ऐसे फैट है जो पानी में सोल्यूबल नहीं है, लेकिन अगर मान लो इन्हीं फैट के ऊपर ये जो ऐसा मिसल्स बन चुका है इसके ऊपर हमने एक प्रोटीन की कवरिंग चढ़ा दी, इसके ऊपर हम एक पतली सी प्रोटीन की कवरिंग चढ़ा देंगे तो ये पानी में सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि काइलोन इज वॉट, दैट इज नथिंग बट अ थिन प्रोटीन कवरिंग ऑन फैट, जो कहां पे हुआ है, वो हुआ है आपके एंटेरोसाइट्स के अंदर, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन से अंदर मूव किया, वहां से इनमें ये काइलोमैक्रोन्स में कन्वर्ट हो चुका है, ये सब कुछ कहां हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है आपके ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है, सॉरी जेजेनम के अंदर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यार फैटी एसिड कुछ इस प्रकार से मूव करते हैं एज अ काइलोमाइक्रोन्स मूव करते हैं, मगर ड्यूडेनम के अंदर नहीं, और ग्लिसरॉल यहाँ पे ऐसे ही मूव करेगा बट सिंपल डिविजन के थ्रू, तो इसे काट दो। दूसरा कोलेस्ट्रॉल, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाया अभी, ठीक है, ताकि अगर इसके ऊपर बेस्ड कोई और सवाल आ जाए तो आप कर पाओ, कॉन्सेप्ट सीख चुके हो। दूसरा कोलेस्ट्रॉल एंड माल्टोज, माल्टोज जो है वो आपके एक्टिव एब्जॉर्प्शन से नहीं होगा, ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन से नहीं होगा। और तीसरा आपके पास ग्लाइसिन अमाइनो एसिड जो होता है और ग्लूकोश, तो अमाइनो एसिड और ग्लूकोश एक जैसे तरीके से ही मूव करते हैं, और वो तरीका क्या है, वो है सोडियम मैकेनिज्म, ठीक है, पीछे बताया था मैंने आपको ये, ठीक है। तो इस तरीके से मूव करते हैं, सोडियम एक्टिव को ट्रांसपोर्टेशन की मदद से मूव करते हैं, दैट मीन्स यही हमारा सही आंसर है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है और एक्टिव ट्रांस एब्जॉर्प्शन की मदद से, ठीक है। फ्रक्टोज में क्या होता है, फैसिलिटेट, ठीक है, इसलिए वो भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट मैच है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, कह रहे हैं अ हेल्दी पर्सन ईट्स द फॉलोइंग 5 ग्राम ऑफ रॉ शुगर। नाउ ये सवाल नहीं, ये बवाल है, ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। 5 ग्राम शुगर है, 4 ग्राम एल्ब्यूमिन है, तो 5 ग्राम तो हो गए हमारे पास शुगर, शुगर मतलब कार्ब्स, कार्ब्स की फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितनी होती है, मतलब कि अगर वो बॉडी के अंदर जा रहा है तो 1 ग्राम कार्ब्स को बर्न करने के लिए बर्न करने पे कितनी एनर्जी निकलेगी आपकी, तो वो होती है कुछ 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है, 4.0 किलो कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है, ये होती है कार्बोहाइड्रेट्स की फिजियोलॉजिकल वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया है एल्ब्यूमिन, जो कि आप जानते हैं एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन की कितनी होती है, ये आपको मैं 1 ग्राम की बता रहा हूँ, है ना, ऐसी 1 ग्राम अगर आप बर्न करोगे तो आपके प्रोटीन्स को तो कितनी एनर्जी मिलेगी, सेम 4.01 होती है, मगर इसको अभी हम न्यूमेरिकल के लिए इसको सिर्फ 4.0 मान के चल रहे हैं किलो कैलोरीज पर। तीसरा फैट की बात करें, तो फैट 1 ग्राम अगर आप कर रहे हो तो इन दैट केस द एनर्जी विल गेट, दैट इज 9.0 किलो कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है, ये वैल्यूज होती हैं। लास्ट है आपके पास लैग्निन, लैग्निन कोई एनर्जी नहीं देता बिकॉज ये एक बस प्लांट का एक्सक्रीटरी वेस्ट है, तो उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट तुम क्यों खाओगे, है ना, तुम क्या कोई भी एनिमल क्यों खाएगा, वो तो वेस्ट है उसका, तो वो खुद रखेगा, हम क्यों खाएंगे इसका वेस्ट, है ना। तो अगर हम बात करें 5 ग्राम शुगर है, तो आपको पता है 1 ग्राम शुगर से 4 मिलती है, तो 5 से कितनी मिलेगी, यूनिटरी मेथड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 से 4 तो 5 से 20, 20 मिलेगी, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो उसमें 1 से 4 मिलती है, और प्रोटीन्स हैं कितने आपके पास, 4 है, तो 4 से कितनी मिलेगी, तो 4 × 4 16। लास्ट है आपके पास 1 से 9 मिलती है, और ऐसे हैं कितने, यहाँ पे ये कह रहा है कि 10 ग्राम प्योर बफलो है और आपके पास 2 ग्राम कितना है वेजिटेबल की, 10 + 2 = 12 हो गए, तो 12 से कितनी मिलेगी, 1 से 9 तो 12 से 9 × 12 दैट इज 108, तीनों को ऐड करना, टोटल कितनी एनर्जी हो गई, 20 200 286 16 144 144, तो 144 एनर्जी जो आपको मिलने वाली है, दिस इज द कैलोरीज दैट यू विल बी गेटिंग हियर। समझ में आ गया, ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं बट अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। 15th क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच एंजाइम्स आर लाइकली टू एक्ट ऑन द बेक्ड पोटैटो। बेक्ड पोटैटो पे अगर आपने कोई आलू खाया तो आपकी बॉडी में कैसे डाइजेशन होगा, तो आपको पता है सबसे पहले माउथ में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होगा, तो पैनक्रेटिक एमाइलेज नहीं होगा, सलाइवरी एमाइलेज काम कर सकता है, माल्टेज काम नहीं करेगा, और डाइसैकेराइड लाइक माल्टेज जो है वो भी, ये होगा आंसर, ठीक है। पहले आप जानते हैं कि आपके माउथ के अंदर
30% अमाइलेज डाइजेस्ट कर देगा स्टार्च को, फिर स्टमक के अंदर जाके प्रोटीन्स होंगे, और फिर लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में आके बचे हुए 70% जो आपके स्टार्च था वो डाइजेस्ट हो जाए। ओके, 16th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एंजाइटी एंड ईटिंग द स्पाइसी फूड किसकी वजह से, क्या क्या क्यों होगा ऐसा खाने की वजह से क्या हो सकता है, डायरिया, जॉन्डिस, वॉमिटिंग या फिर इनडाइजेशन? तो इनडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, 17th क्वेश्चन कह रहा था एक्टिविटी कार्बोपेप्टाइडेज रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जिंक आयन। जिंक जो है वो एक को फैक्टर की तरह इस्तेमाल होता है, इट इज यूज एज अ को फैक्टर किसमें, इसको एक्टिवेशन में। ठीक है, इसको काम लेने के लिए, इसके एक्टिवेशन के लिए हम इसका जिंक का नीड पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो तो अगर हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो ब्लड को क्लॉट करवाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे यहाँ पे जिंक की आवश्यकता पड़ती है। 18th क्वेश्चन आपसे कह रहा है द वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉर्मली फाउंड, तो सीकम। सीकम हमारी बॉडी में आप जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे मिलता है, और वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको बहुत सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे जो कि आपकी बॉडी में हेल्प कर रहे हैं काफी सारे प्रोसेसेस के अंदर, विटामिंस की फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है द पर्पल रेड पिगमेंट रोडोप्सिन जो होता है कंटेन्स द रॉड टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ द आई, ह्यूमन आई, इज अ डेरिवेटिव ऑफ। तो अगर आपसे बात की जाए रोडोप्सिन, आपसे बात की जाए जो रोडोप्सिन होता है उसका प्रीकर्सर कौन है, किससे बनता है, तो ध्यान रखना रोडोप्सिन जो है विटामिन ए से बनता है। बिकॉज मुझे कैसे याद है, मुझे याद है क्योंकि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसे अगर खाओगे अच्छे से आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो इन दैट केस आपकी बॉडी में आपकी आंख पे रॉड सेल्स बिल्कुल सही रहेंगी, रोडोप्सिन की मात्रा ठीक रहेगी। कहां से मिलता है विटामिन ए, तो ये कैरेट से मिल जाता है ना, ग्रीन वेजिटेबल से मिल जाता है। इसके अलावा इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आपको गॉट मीट से मिल जाएगा, लिवर ऑयल से मिल जाएगा, एग से मिल जाएगा, इन जगहों से आपको विटामिन ए जो है वो मिलता है। ठीक है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो डेफिशिएंसी क्या होगी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको आप निक्टोलोपिया भी कहते हो, है ना, निक्टोलोपिया हो सकता है या फिर केराटो मलेशिया कॉर्निया भी हो सकता है। केराटो मलेशिया कॉर्निया क्या होता है, इसमें जो आपकी ये जो कॉर्निया है वो आप जानते हो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होती है, कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट लेयर व्हिच इज टोटली ट्रांसपेरेंट, लेकिन ये हल्की सी ना व्हाइटिश अपीयरेंस में आना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से पर्सन को दिखना बंद हो जाएगा, बिकॉज कॉर्निया अगर ट्रांसपेरेंट ही नहीं रही, वो ओपेक हो गई, तो फिर दिखना आपको दिखेगा तो है नहीं। तो इस केस में आपने देखा मूवीज होती हैं, मूवीज में भूत जो होते हैं ना, गोस्ट, उनकी आंखें कैसी होती है, वाइट वाइट सी, प्रॉपर वाइट, तो वो प्रॉपर वाइट इज अ कंडीशन जो नॉर्मल देखने को भी मिलती है। कुछ बच्चों में ये कंडीशन होती है, केराटो मलेशिया कॉर्निया, इसको आप सर्च करना गूगल पे, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना एक बार। तो ये जो कंडीशन है एक बीमारी है जिसमें आप देखोगे कि बच्चों की आंखें जो है वो वाइट हो गई हैं प्रॉपर्ली, भूत वाली आंखें वैसी हो गई हैं। ठीक है, दिस इज द कंडीशन विच हैपन्स देयर। तो विटामिन ए की वजह से क्या होता है, विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर दूसरा नाम क्या है नाइट ब्लाइंडनेस का, दैट इज निक्टोलोपिया, ये हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही इजी सवाल है ना, ये तो आपको आते ही होगा। तो मेरे को लगता है मैंने ये पहला ऐसा सवाल है जो मैंने काफ़ी इजी डाला है, बाकी सवाल तो ठीक ठाक मॉडरेट लेवल के थे, है ना, जिसमें आपको शायद कुछ कुछ बातें सोचनी भी पड़ सकती थी, तो आपने सोची होंगी, है ना, काफ़ी कुछ नया सीखा भी होगा। तो ये कह रहा है कि बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल एडल्ट, एडल्ट का पूछ रहा है, तो 2123 है ना, ऑप्शन नंबर सी 2123। क्वेश्चन कौन सा है, 21, चलिए 21 आपसे कह रहा है द कैरियर आयंस लाइक सोडियम फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक, तो सोडियम जो है वो किस चीज का कंडक्शन करवाते हैं, तो फ्रक्टोज आप जानते हो नहीं होगा, फैसिलिटेट से होता है ना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल नहीं, सिंपल डिफ्यूजन से होगा, ये भी नहीं है, अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज आप जानते हो, ये आपका होगा किसी में से, फैटी एसिड अगेन सिंपल डिफ्यूजन, और फर्स्ट वाला अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज जो है ये होता है आपके किससे, सोडियम एक्टिव को ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन जो कि एक एक्टिव डिफ्यूजन है, इससे होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है फॉर सम रीजन द गॉबलेट सेल्स आर नॉट फंक्शनल। अगर गॉबलेट सेल्स काम नहीं करेंगे तो पहले सोचो गॉबलेट सेल्स करती क्या है, तो ही जवाब निकलेगा। क्या करते हैं गॉबलेट सेल्स? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। और मान लो अगर बॉडी के अंदर म्यूकस ही नहीं है, आपकी जो इंटेस्टाइन है वहां से म्यूकस निकलता है, म्यूकस नहीं निकला तो इन दैट केस क्या होगा, बॉडी में स्मूथ कंडक्शन नहीं हो पाएगा, खाना जो है वो नीचे मूव नहीं कर पाएगा, रफनेस हो जाएगी बॉडी के अंदर, ड्राई हो जाएगा। जैसे होता है सड़क होती है, एक खुड़खुड़ी सी सड़क होती है, वहां पे आप सिंपली स्किट नहीं मार सकते, एक स्मूथ टाइल्स लगे हैं तो आप सिंपली स्किट मार दोगे, तो दैट्स अ केस हेयर है ना, तो आप कहोगे स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन विल नॉट बी पॉसिबल, ये चीज जो है ये अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 23 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है इफ फॉर सम रीजन द पैराइटल सेल्स आर नॉट फंक्शनल। अगर पैराइटल सेल्स काम नहीं कर रहे हैं तब क्या होगा, तो पैराइटल सेल्स का काम क्या होता है, HCL का प्रोडक्शन करना है, HCL नहीं बनेगा तो पेप्सिनोजन अफेक्ट हो जाएगा, पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स स्पेशली द ट्रिप्सिन एंड लाइपेज विल नॉट वर्क एफिशिएंटली, या फिर द पीएच ऑफ द स्टमक विल फॉल अब्रप्टली, या स्टेप्सिन जो है ये इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, या फिर प्रोटीन्स विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड एंड पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजन में या फिर प्रोटीन्स को पेप्टोज में तोड़ नहीं पाएगा, तो यही करेक्ट आंसर है ना, प्रोटीन्स का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं पैराइटल सेल्स बनाती हैं HCL, और अगर HCL नहीं बना तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा पेप्सिन के अंदर, और इस कारण की वजह से आगे प्रोटीन्स का डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, 24th क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं जॉन्डिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ, जॉन्डिस जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, स्किन और आइज का है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है जॉन्डिस के अंदर, जॉन्डिस में आप देखोगे यार कि जो आइज है एंड जो स्किन है एंड जो स्किन है ये हल्की सी ना पेल येलो कलर की हो जाती है, इनकी अपीयरेंस पेल येलोइश कलर की हो जाती है, क्यों, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन, एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन एक पिगमेंट है ना, बाइल सॉल्ट का एक पिगमेंट है, जिसकी एक्यूमुलेशन अगर बॉडी में होगी तो इन दैट केस वहां पे बॉडी के पार्ट्स में येलोइश अपीयरेंस देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब क्यों होता है ये, क्यों ये बिलिरुबिन जो है ये आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, तो एक्चुअली मैं मान लो कोई पर्सन हुई सफरिंग फ्रॉम मलेरिया या फिर सिकल सेल एनीमिया, तो उसकी बॉडी में क्या होगा, आरबीसीज की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी या फिर आरबीसीज का ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा, ये तो होता है मलेरिया में और आपके सिकल सेल एनीमिया में, तो आरबीसीज का फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन होगा, इस वजह से बॉडी में आरबीसीज की कमी हो जाएगी है ना, या ज़्यादा आरबीसीज ब्रेकडाउन हो रही है और उस वजह से बिलिरुबिन जो होगा पिगमेंट है ना, जो कि अगेन उसका एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो उसके इसमें जॉन्डिस का खतरा हो सकता है। दूसरा, अगर मान लो आपकी बॉडी में लिवर में कोई खराबी हो गई है, लिवर आप जानते हो लिवर जो है वो उस बाइल जूस को, सॉरी इन बाइल पिगमेंट्स को जो कि बिलिरुबिन है उसको एक्सक्रीशन में भेज देता है, एक्सक्रीट करने के लिए, अब लिवर ही काम नहीं कर रहा है तो इसको एक्सक्रीशन के लिए भेजेंगे ही नहीं और ये ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स हो जाएगा, तो फिर अगेन जॉन्डिस हो सकता है, तो ये कंडीशंस ये कारण हो सकते हैं जॉन्डिस के, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डिसऑर्डर होता है। ओके, स्किन और आई देख के आंसर मत लगाना बिकॉज ये स्किन और आई की प्रॉब्लम नहीं है, स्किन और आई में तो इसके इंपैक्ट दिख रहे हैं हमें, प्रॉब्लम किस चीज की है, ये प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव सिस्टम की। आते हैं अगले सवाल पे, 25th क्वेश्चन आपसे कह रहा है ब्रेस्ट फीडिंग रिप्लेस बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड। तो अगर एक बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दी जाए और उसे कम न्यूट्रिशन वाला मतलब मिल्क दिया जाए, तो इन दैट केस, और वो बच्चा एक साल से भी कम का है, तो यार एक साल सुनते ही आपके मन में आंसर क्या आना चाहिए, मरेस्मस, बिकॉज मरेस्मस एक ऐसी डिसीज है जो कि एक साल से कम वाले बच्चों को होती है। ठीक है, एक साल से कम वाले बच्चों को ये वाली डिसीज होती है। हैव यू सीन द मूवी थ्री इडियट्स, देखिए हो गया ना, थ्री इडियट्स में जो राजू होता है ना, जब वो तीनों फ्रेंड है ना, जो रेंचो है और फरान और राजू, तीनों जाते हैं खाना खाने के लिए राजू के घर पे। अब उसकी मम्मी बताती है कि भाई सब्जी इतनी महंगी हो गई है, भिंडी इतने किलो हो गई है ना, पनीर इतने सोने की तरह से बिकेगा वो। तो उस टाइम पे ना उसके बगल में उसके फादर बैठे होते हैं, बैठे तो नहीं लेटे होते हैं वो, तो उनके फादर की जो हालत होती है ना, वैसी हालत हो जाती है एक छोटे से बच्चे की इस बीमारी के अंदर। ठीक है, कि बिल्कुल ही मैच स्टिक, बिल्कुल लकड़ी की जैसी बॉडी हो जाएगी है ना,
आंखें जो है वो धस जाएंगी अंदर की तरफ और बहुत पतली सी बॉडी, हड्डियां दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है एक बच्चे की, किसमें, मरेस्मस के अंदर। उनको मरेस्मस नहीं था, वो तो पैरालिसिस था उनको, तो है ना, मगर वैसी सी कंडीशन यहाँ पे हो जाती है बच्चों को, तो ये ध्यान रखना। ओके, 26th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द यंग इन्फेंट मे बी फीडिंग एंटायरली ऑन मदर्स मिल्क विच इज वाइट इन कलर बट द स्टूल्स विच इन्फेंट पासिस इज क्वाइट येलोइश। तो वही बात है ना, कि गाय हरी घास खाती है लेकिन दूध सफेद देती है, क्यों? तो एक बच्चा जो है उसकी पॉटी कैसी होती है, तुम क्या जानो, है ना, ये केक बन गया बट ये पॉटी है। तो बच्चे की पॉटी कैसी होती है, ये होती है आपकी यू कैन से येलोइश कलर की, है ना, अपनी छोड़ गंदी बात, ठीक है। तो येलोइश कलर की जो है स्टूल्स होंगे एक बेबी के, लेकिन वो बच्चा तो सिर्फ मिल्क पी रहा है, सिर्फ सफेद दूध पी रहा है। एक बच्चे की डाइट क्या होती है, सिर्फ मिल्क होता है, तो उसकी येलो कलर की पॉटी कहाँ से आ रही है? तो यू विल से दिस इज द, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है वही सेम बिलिरुबिन नाम का पिगमेंट, जो कि अगेन येलो इश कलर देता है किसको, फीसिस को, है ना, पॉटी को। वी कैन से येलो इश अपीयरेंस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बाइल पिगमेंट, ठीक है, जो कि बाइल जूस में प्रेजेंट होता है। आते हैं 27th क्वेश्चन पे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमन। तो खाने का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में कौन सी बात यहाँ पे सही है, सही है, ये आपको बताना है, है ना, कौन सी बात सही है आपको ये बताना है। देखिए आंसर, कह रहा है फ्रक्टोज एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइनल म्यूकस विद द हेल्प ऑफ कैरियर लाइक सोडियम। तो फ्रक्टोज क्या सोडियम की मदद से ये एब्जॉर्ब होता है, नहीं। दूसरा, काइलोमाइक्रॉन्स जो है यार, ये स्मॉल लिपो प्रोटीन्स स्ट्रक्चर्स है। लिपो मतलब क्या होता है, फैट, प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन्स। तो आपको पता है कि फैट के ऊपर जब आप प्रोटीन की लेयर चढ़ा दोगे तो उसे क्या कहते हो, उसे आप कहते हो काइलोमाइक्रॉन्स, है ना। एंड द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, नो, ये गलत है, ये ब्लड कैपिलरीज नहीं, ये लैक्टियल्स की मदद से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज इनको लेने से मना कर देती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट, 60% स्टार्च जो होता है वो हाइड्रोलाइज होता है स्लेवरी अमाइलेज से माउथ के अंदर, नहीं, सिर्फ 30% होता है, बाकी 70% आपके इंटेस्टाइन में होगा, तो ये भी गलत है। और लास्ट है, ऑक्सेंटिक सेल्स जो है ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन को, क्या ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन को, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट वाला क्या है, फ्रक्टोज एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड हेल्प इन द कैरियर आयंस लाइक सोडियम, हाँ ये सही है यार। अमाइनो एसिड्स आपको पता है ग्लूकोज की तरह एब्जॉर्ब होते हैं, और जो आपके फ्रक्टोज हैं वो क्या है, वो भी आपका फैसिलिटेट से ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, लेकिन यहाँ पे भी सोडियम का इस्तेमाल तो होगा, हालांकि एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, मगर कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट जब वो मूव करेगा बाहर से अंदर की तरफ, तो वो सोडियम के साथ ही जाएगा, अकेला खुद नहीं जा सकता एंट्री, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन्स आएंगे और सोडियम का एक्सचेंज होगा, और उसी दौरान फ्रक्टोज का एक्सचेंज भी हो जाएगा, तो यहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन सोडियम का होगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस सवाल से हमने क्या सीखा कि भाई सवाल को अच्छे से रीड करना है। 28th क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कॉम्पोनेंट इन द ह्यूमन रीचेस द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। स्टमक तक ऐसा वो क्या है जो कि अनडाइजेस्टेड पहुंच जाता है बिना डाइजेस्ट हुए। तो स्टार्च एंड फैट, फैट एंड सेलुलोज, स्टार्च एंड सेलुलोज, या फिर प्रोटीन्स एंड स्टार्च। तो आप कहोगे फैट एंड सेलुलोज। आपको पता है कि फैट का डाइजेशन सीधे सीधे कहां पे जाके होता है, इंटेस्टाइन में जाके होता है। तो स्टमक तक फैट का डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और सेलुलोज का तो बिल्कुल आपकी बॉडी में कहीं पे भी नहीं होता, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तुम्हें क्या परेशानी है भाई। 29th पे आते हैं। कह रहे हैं विच व्हाट विल हैपन इफ द सिक्रेशन ऑफ पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इज ब्लॉक विद एन इनहिबिटर। अगर पैराइटल सेल्स को ब्लॉक कर दिया जाए तो सेम HCL नहीं होगा, पेप्सिनोजन काम नहीं कर पाएंगे। तो आंसर होगा इसका एब्सेंस ऑफ HCL सिक्रेशन, इनएक्टिव पेप्सिनोजन कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे पेप्सिन के अंदर, ये करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं, है ना, पढ़ जरूर लेना एक बार। 30 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग दैट फैट सोल्यूबल विटामिन। तो ध्यान रखना फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, मैं इसे एडिक से याद रखता हूँ, ADEK, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए के। तो ये चार ऐसे विटामिन्स हैं जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे विटामिन सी हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन ई हो गया,
है ना, विटामिन, ये सारे विटामिंस क्या है, ये सारे फैट इनसोल्यूबल हैं, लेकिन ये चार फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो रेटिनॉल जो है ये आपका आएगा विटामिन ए, और कोलाबिनाइन जो होता है ये आपका विटामिन बी12 होता है, विटामिन बी12। तीसरा कैल्सीफेरॉल जो है एलिग्रा, ये आपके विटामिन ई होता है, सॉरी विटामिन कौन सा होता है, कौन सा होता है, आई थिंक पैलेग्रा इज विटामिन ई क्या, आई मीन डाउट है ना, एक बार थोड़ा सा डाउट है, इसको देखते हैं अभी। और स्कर्वेज जो है विटामिन सी होता है। तो इनमें से कौन है जो कि आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो वो आपका एक ही है, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले पे आ जाओ, 31. Examination of blood, a person suspected in having the anemia shows a large immature nucleated erythrocytes. Anemia है ना, without the hemoglobin. उसके बारे में hemoglobin नहीं है. Supplements in the diet. क्या supplement आप उसको दोगे कि उसके बारे में hemoglobin बनना start हो जाए? तो simply आप दोगे folic acid and cobalamin. ये क्या होता है? ये आपका vitamin B12 होता है. जो मैं आपको बता रहा था कि इसे absorb करने के लिए क्या चाहिए होता है body के अंदर? Stomach के अंदर चाहिए होता है castle intrinsic. कासल इंट्रेंसिक फैक्टर. तो स्टमक के अंदर अगर कासल इंट्रेंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन बी12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, विटामिन आरबीसीज नहीं बन पाएंगी, मैच्योर नहीं हो पाएंगी, दैट इज व्हाई पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा. तो इसमें ये जो आपका कोबालमाइन है ये जरूरी होता है किसके लिए, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज के लिए, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज के लिए इसकी आवश्यकता होती है. दूसरा फॉलिक एसिड जो है ये जरूरी होता है ग्रोथ ऑफ आरबीसीज के लिए, ग्रोथ ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज ढंग से बनेंगे, आरबीसीज मैच्योर होंगे तभी तो उसमें हीमोग्लोबिन आएगा ना. तो दिस इज वॉट वी कैन से सजेस्ट करेंगे उस पर्सन को कि फॉलिक एसिड और कोबालमाइन जो है वो होना चाहिए उसकी डाइट के अंदर, ठीक है. 32 पे आते हैं, कह रहा है सिक्रेशन ऑफ, सॉरी सिक्रेटिन एंड कोलेस्टोकाइनिन जो है ये डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स हैं, और ये कौन सिक्रेट करता है, तो ये ड्यूडेनम जो है वो सिक्रेट करता है, ठीक है. 33 आपसे कह रहे हैं एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्स द फूड एब्जॉर्प्शन एंड देयर सरफेस. माइक्रोविलाय, माइक्रोविलाय में आप जानते हैं ना सरफेस एरिया इंक्रीज होता है जिसकी वजह से बेटर डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन हो पाता है, ठीक है. 34 कह रहे हैं अ पेशेंट इज जनरली एडवाइज टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स, मिल्क या फिर एग इन द डाइट ओनली व्हेन ही सफर्स फ्रॉम. तो व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द डिसीज, तब उसे कहा जाएगा कि भाई ये चीजें ज्यादा खाओ. तो व्हेन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, देखो मीट में आपके, मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, एग में प्रोटीन्स होंगे, और प्रोटीन्स से सफर करने वाली डिसीज कौन सी है, क्वाशिकोर, ठीक है. तो द पेशेंट मस्ट बी स्टॉप सफरिंग फ्रॉम क्वाशिकोर, ओके. 35 पे आते हैं, कह रहे द रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी12, विटामिन बी12 ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, तो इट विल बी प्रेजेंट इन द गॉट्स लिवर एंड स्पिडुला. इसके अलावा ये आपको मिल जाएगा कैरेट के अंदर, या आप तो मीट के अंदर, एग्स के अंदर, है ना, लिवर ऑयल के अंदर मिल जाएगा ये आपको, ठीक है. 36 क्वेश्चन आपसे कह रहा है ड्यूडेनम हैज कैरेक्टरिस्टिक्स बर्नर्स ग्लैंड, आपको बताया था कि दीज आर द विलाय, और नीचे क्या है सबमिकोसा, सबमिकोसा में होती है क्या बर्नर्स ग्लैंड, क्या करती है कोलेस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन को सिक्रीट करती है, सिक्रीट टू हॉर्मोन्स कौन से हैं वो, सिक्रेटिन और कोलेस्टोकाइनिन, ठीक है. 37 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सी करेक्टली मैच नहीं है, तो पर्निशियस एनीमिया विटामिन बी12 की कमी से होता है, बिल्कुल सही है. अना कॉन्वुलस जो है B6 से होगा, बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है, ये भी सही है, ये भी सही है. लास्ट प्लेग्रा जो है ये विटामिन बी से नहीं होता, प्लेग्रा विटामिन बी से नहीं होता, कमी से नहीं होता, आई थिंक ये विटामिन ई या विटामिन के से होता है, एक बार क्रॉस चेक करना है ना प्लेग्रा का, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ई या फिर के, ठीक है, के है क्या, के ही होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा मुझे लगता है, ठीक है. बढ़े आगे, या इवन ये विटामिन के भी नहीं होगा, है ना, विटामिन B3 हो सकता है, जस्ट नाउ आई रिमेंबर विटामिन B3 करते हैं ना, विटामिन B2 से नहीं होता, विटामिन B3 से होता है ना, ठीक है. मैंने शायद पीछे भी कहीं लिखा है प्लेग्रा के बारे में, इट्स नॉट विटामिन ई, विटामिन ई पता है, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी ना तो बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसीज आना स्टार्ट हो जाएंगे, आएगा विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3. तो अगर विटामिन ई कमी होगा तो रिप्रोडक्टिव डिसीज होना स्टार्ट हो जाएंगे,
38 पे आते हैं, कह रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग फास्टिंग, एक पर्सन जो काफी लंबी फास्टिंग पे गया हुआ है, तो इन दैट केस उसकी बॉडी में एनर्जी का सोर्स क्या होगा। सबसे पहले अगर आपने खाना नहीं खाया है ना, तो इट्स लाइक तुम गुस्सा हो गए, तुमने कहा मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मम्मी का मत खा, क्या खा, मेरा क्या जा रहा है, मम्मा अपना अलग अलग स्वैग लाइफ जी रही है, वो कह रही है खाना खा, नहीं खाना मत खा, सोने में बैठ जाओ चुपचाप, ठीक है। तो तुमने खाना नहीं खाया तो बॉडी में क्या चीज़ डाइजेस्ट होगी और आपको एनर्जी देगी, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहली वो चीज़ है जो ब्रेक डाउन होकर आपको एनर्जी देना स्टार्ट करेगी, एनर्जी देना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिर तुमने खाना नहीं खाया, तुमने सोचा पापा आएंगे रात को, है ना, पापा से थोड़ा सा ऐसे ड्रामे करूंगा और फिर वो मुझे थोड़ा सा सिंपति देंगे, भावना देंगे, है ना। तो पापा आए, पापा वैसे ही बुरे मूड में थे, तुमने कहा मैं खाना नहीं खा रहा, पापा ने एक लपेट लगा दिया, है ना, फिर तुमने फिर खाना नहीं खाया, तो फिर तुमने खाना नहीं खाया, तो इन दैट केस आपकी बॉडी में क्या कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुके हैं। अब कार्ब्स नहीं है तो आपकी बॉडी में जो फैट है ना वो फैट टूट के एनर्जी देगा, फिर भी तुमने नहीं खाया, खाना खाया, तुम इतने नलायक निकले, है ना, तुमने फिर भी खाना नहीं खाया, तो इन दैट केस आपकी बॉडी में प्रोटीन्स टूटेंगे लास्ट में, और प्रोटीन्स टूट के आपको एनर्जी देंगे। लेकिन ध्यान रखना कि अगर बॉडी में प्रोटीन्स टूट रहे हैं और प्रोटीन्स के टूटने से एनर्जी निकल रही है, तो आपकी बॉडी में किसी ऑर्गन के डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बकवास सजेशन होता है कि हम कीटो डाइट पे जाएंगे। कुछ लोग क्या होते हैं शॉर्टकट मारने में कीटो डाइट में चले जाते हैं। कीटो डाइट जो होती है इसमें क्या होता है, एक पर्सन जो है वो सिर्फ चिकन खाता है, कोई वेजिटेरियन आइटम नहीं खाता। तो अगर कोई कीटो डाइट्स पे जा रहा है तो इन दैट केस उसकी बॉडी में यू नो ऑर्गन्स के खराब होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही यू नो सजेशंस के अंदर, मतलब किसी एक क्वालिफाइड पर्सन के गाइडेंस के अंदर ही वो पर्सन कीटो डाइट पे जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि एकदम से आपने बंद कर दिया, तो एकदम से बंद किया तो ये सब कुछ मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा। और इवन ऐसी डाइट वाइट पे तो कभी जाना ही नहीं चाहिए, है ना। अगर आपको सच में वेट लॉस करना है तो अपनी बैलेंस डाइट रखिए। सब कुछ खाना बंद करने से डाइटिंग नहीं होती है, खाने को बैलेंस रखने से डाइटिंग होती है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आते हैं अगले सवाल पे। 39 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, स्टूल्स ऑफ अ पर्सन इन वाइट ग्रे कलर। तो वही सवाल है ना, लिवर की वजह से होगा, बाइल जूस पिगमेंट्स जिसकी वजह से स्टूल्स को कलर मिलेगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन कह रहा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है विच एक्ट अपॉन द पीएच इज कॉल्ड एज। लो पीएच पे कौन काम करते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, जो कि किसमें होते हैं, स्टमक में होते हैं, क्योंकि स्टमक ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसका पीएच कैसा है, लो है, ठीक है। 2003 का सवाल था। 41 पे आते हैं, कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग लगातार होती जा रही है तो ये किस वजह से हो रहा होगा, तो आपको पता है कि विटामिन ई के बी या ए, तो विटामिन के जो होता है ना ये हेल्प करता है किसमें, फाइब्रिनोजन की फॉर्मेशन में, और अगर फाइब्रिनोजन की फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही तो फिर ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं हो पाएगी। अगर ये नहीं है तो फिर ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं हो पाएगी, दैट मीन्स विटामिन के की कमी हो रखी है उस पर्सन को, ठीक है। 42 कह रहा है, बिशप फूड शुड बी ईटन ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ रोडोप्सिन। आंखों में रोडोप्सिन जो है अगर उसकी कमी हो रही है तो कौन सा विटामिन खाएंगे, जस्ट आपको मैंने बताया था, यस टेल मी, कमेंट करो मुझे, चलो क्वेश्चन पॉइंट है ना, होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर रोडोप्सिन जो है उसकी कमी हो रही है बॉडी में तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है ये, ठीक है। बाकी ये कैरेट को खाने से और राइपन पपाया खाने से आपको मिल जाएंगे, जो भी चीज़ें मुझे बताना जरूर, ठीक है। और अब आते हैं 43 क्वेश्चन पे, कह रहे हैं मैमल्स मिल्क इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ, मैमल्स का जो मिल्क है वो डाइजेस्ट करते हैं विद द एक्शन ऑफ रेनिन, ठीक है। मिल्क की बात हो रही है, कैसीन होता है, कैसीन को पैराकैसीन में कन्वर्ट कर देंगे। 44 क्वेश्चन कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी सिक्रीट्स द हार्मोन सिक्रेटिन, सिक्रेटिन को कौन सिक्रीट करता है, तो वही सेम ड्यूडेनम, ठीक है। सिक्रेटिन और कोलियोसिस्टोकाइनिन के लिए अगेन मैं वापस से बता दूं आपको, बर्नर्स ग्लैंड जो कि कहाँ होते हैं आपके ड्यूडेनम में होते हैं इंटेस्टाइन की, ठीक है, वहां से वो सिक्रीशन होता है और वो काफी इंपॉर्टेंट है। 45 कह रहा है, अगेन बर्नर्स ग्लैंड जो है दे आर प्रेजेंट इन द ड्यूडेनम, ठीक है, वहीं प्रेजेंट होते हैं। 46 कह रहा है, लेयर्स ऑफ सेल्स दैट सिक्रीट्स द एनेमल ऑफ द टूथ, आपको पता है अगर ये एक टूथ है तो इसमें आउटर कवरिंग जो होती है, दिस आउटर कवरिंग इज वॉट एनेमल, ये आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, इवन बोन से भी ज्यादा हार्ड। इसे बनाने वाली कौन सी सेल्स हैं, तो इसे बनाने वाली सेल्स हैं आपकी अमीलोब्लास्ट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इन द चैप्टर। 48th क्वेश्चन पे आते हैं, 47 कह रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स में लैक्टियल्स जो हैं दे आर फाउंड, लैक्टियल्स कहाँ मिलेंगे, लैक्टियल्स इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का इन चारों में से एक ही पार्ट है, वो है इलियम, तो इलियम में पाई जाएंगी आपकी लैक्टियल्स, ठीक है, जो कि फैट को
फैट ग्लोब्यूल्स को रिसीव करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, ठीक है। 48 कह रहा है इन पेनक्रियाज इज रिमूव्ड, पेनक्रियाज ही हटा दिया पूरा का पूरा। तो पेनक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम्स थे अगर आपको याद हो तो, लिखवाया था यार ऐसे मत बोलो, सबसे स्टार्टिंग हमने यहीं से शुरुआत की थी, है ना। ये सारे एंजाइम्स क्या है, पेनक्रियाज के अंदर के एंजाइम्स है, उसमें आप देख पा रहे हो लाइपेज भी है, तो मतलब फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसमें अमाइलेज भी है, मतलब स्टार्च कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। ट्रिप्सिन भी है, मतलब प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर पेनक्रियाटिक जूस नहीं रहा, पेनक्रियाज नहीं रहा, तो बॉडी में कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो मतलब ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 49 कह रहा है पेलेग्रा जो है दिस इज अ डिसीज कॉज बाय विच डेफिशिएंसी, तो विटामिन B3 जिसे आप नियासिन या फिर नार्कोनिक एसिड भी कहते हो, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको किसी पर्सन को पेलेग्रा हो जाता है, ठीक है। और लास्ट है कफर सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, 50 क्वेश्चन हमारा आखिरी सवाल आज की मुलाकात का। तो आपको पता है कि लिवर में पाए जाते हैं कफर सेल्स, जो कि WBC जो कि हेल्प करते हैं ना इन द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो दीज आर काइंड ऑफ मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस लगाए हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स के, अलग अलग थॉट प्रोसेस आपका लगा होगा, है ना। इस चैप्टर के वेरिएंट क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं, है ना, और कोई बेबी लेवल सवाल नहीं थे, अच्छे लेवल के सवाल थे, है ना। अगर आपको ये आते हैं तो दैट मीन्स यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम, मतलब इस चैप्टर में से आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, अच्छी कमांड है। तो ऐसे ही सवाल लगाते रहिए, है ना। और इसका आपको वन शॉट देखना होगा तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं ऑन द यूट्यूब लक्ष्य सर एंड देन सिंपली माई नेम, मतलब XYZ जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप नीट निकेतन के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखो यार, कुछ कुछ आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगी, और जो सवाल दिया है वो कमेंट करके बताना जरूर। मिलेंगे हमारी आने वाली मुलाकात में, पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk.